नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। कल देर शाम जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव नौरोजाबाद नगर परिषद पहुंचे और साथ ही साथ बांधवगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक शिवनारायण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा मनीष सिंह, मंडल अध्यक्ष योगेश द्विवेदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामलला यादव, व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय सोनी और नगर परिषद नौरोजाबाद की प्रशासक नेहा सोनी, एसडीएम बिरसिंहपुर, नगर परिषद नौरोजाबाद की मुख्य नगर पालिका अधिकारी रीना राठौर की उपस्थिति में नगर नौरोजाबाद के रुके सभी विकास कार्यों की समीक्षा की गई, जिन्हें जल्द से जल्द प्रारंभ करने साथ नगर को विकसित करने की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर जिले के मुखिया संजीव श्रीवास्तव ने मीडिया से सवालों के जवाब में बताया कि नगर नौरोजाबाद के लोग मुझसे नगर के विकास कार्यों की चर्चा करने उमरिया आते थे, उन सभी विषयों को लेकर यह बैठक की गई है। जल्द ही नगर के सभी रुके विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। नौरोजाबाद में कुछ उनके जो कार्य लंबित हैं, जो मूलभूत विकास कार्य हैं, उसके बारे में चर्चा करते थे, तो इस संबंध में माननीय विधायक जी से चर्चा हुई। माननीय विधायक जी ने कहा कि इस संबंध में हम लोग यही नौरोजाबाद में ही बात करें तो अच्छा रहेगा। तो इसी तारतम्य में मैं माननीय विधायक जी, एसडीएम मैडम, सीएमओ नगर पालिका, अन्य जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, हम सभी यहाँ बैठे और नगर की समस्याओं पर विचार किया और कौन से कार्य ऐसे हैं, विकास कार्य जो होना जरूरी है, उस पर विचार किया और उन पर यथायोग्य कार्यवाही के लिए हम लोगों ने आग्रह किया सीएमओ नगर पालिका और एसडीएम मैडम जो प्रशासिका भी हैं, इनसे कि इन पर यथायोग्य कार्यवाही शीघ्र करने का कष्ट करें। सर, नौरोजाबाद में